तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि नेपाल एक लैंडलॉक देश है, तो इनके यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होती है उसको भारी देशों तक पहुँचाने के लिए इन्हें इंडिया की हेल्प लेनी ही पड़ती है, बिकॉज इनकी कोई कोस्ट लाइन तो है नहीं। सो अब यहाँ पर भारतीय रेलवे ने नेपाल के साथ एक लेटर ऑफ एक्सचेंज को साइन किया है। इस लेटर ऑफ एक्सचेंज के तहत अब नेपाल को अलाउ किया जाएगा कि उनके जो भी ऑथराइज्ड कार्गो ट्रेन ऑपरेटर्स है वो भारतीय रेलवे के एक विशालकाय नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। नेपाल के जो भी कंटेनर्स या फिर जो भी फ्रेट है तो वो अब इंडिया के तहत, इंडियन पोर्ट्स के तहत भारी देशों तक एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। ये तो अच्छी बात है ही, इसके अलावा भी एक और काफी अच्छी बात ये भी है कि पिछले जो प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, केपी शर्मा ओली, जो कि काफी ज्यादा चाइनीज सेंट्रिक थे, चाइना के इशारे पर नाचते थे, तो अब वो भी, उनका भी तख्ता पलट हो चुका है और अब नेपाल के न्यू प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देउबा। और आई थिंक इस पॉजिटिव चेंज से अब पास्ट में जो नेपाल इंडिया के बीच के रिलेशनशिप में काफी ज्यादा डैमेज हुआ था, तो फाइनली उसे सुधारा जा सकता है। इनफैक्ट अब वो और भी स्ट्रांग हो सकता है। वेल, अब इंडियन रेलवे की बात करें तो ये जो प्लान है ये इफेक्ट में आ चुका है फ्रॉम 9th July 2021। इस प्लान के तहत अब जो भी कैटेगरी ऑफ वैगन्स होंगे ट्रांसपोर्ट गुड्स के, उन्हें इंडियन रेलवे के नेटवर्क में कैरी किया जा सकता है। साथ ही में भारत से जो भी नेपाल के बीच में एक्सपोर्ट होगा तो वहां पर भी इस तरह के कंटेनर्स को एक्सचेंज भी किया जा सकता है। यहाँ पर वैसे दोनों ही देशों का फोकस यही है कि जो भी ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन के में कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती थी तो उसे रिड्यूस किया जाए, साथ में जो भी और भी बाकी के प्रोडक्ट्स है तो उन्हें भी स्पेशल वैगन्स के तहत रेल कार्गो का यूज करते हुए दोनों ही देश के बीच के ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाया जाए। अब ट्रेड की बात चली रही है तो लेट मी टेल यू, इंडिया नेपाल के लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, बिकॉज 2018-19 के डेटा को अगर हम देखें तो इंडिया ने नेपाल को एक्सपोर्ट किए थे कुल 54,300 करोड़ के गुड्स, और वहीं पर नेपाल से इंडिया के भीतर आए थे 3,558 करोड़ रुपीस के गुड्स। सो देखा जाए तो नेपाल इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहा है और इंडिया के लिए नेपाल एक अच्छा खासा मार्केट है। और दूसरे पहलू से भी देखा जाए तो नेपाल के लिए भी अब ये काफी अच्छी बात है कि अब फाइनली जो लेटर ऑफ एक्सचेंज साइन कर लिया गया है तो ये इंडियन रेलवे के ट्रैक को यूज करते हुए अब भारी देशों में अपने गुड्स, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वैसे इंडिया भी हमेशा से रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करना और साथ ही में नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप को और मजबूत करने के लिए काफी समय से कोशिश करते आ रहा है। इनफैक्ट हमारी तो नीति है नेबरहुड फर्स्ट, इस पॉलिसी के तहत हम यहाँ पर और तेजी से काम कर रहे हैं और ना कि चाइना की तरह जो कि दूसरों को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही देश के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने ट्रेड, रिलेशनशिप, एक्सपोर्ट को और तेजी से ग्रो कर सके। सो दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।